सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तुषार, लेके आपके सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो में मैं आपको बहुत ही उम्दा कलाकार से मिलवाने वाला हूं, जिनका नाम है राजू जी, जयपुर के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत सारी कलाएं जानते हैं। उनमें से एक कला आज मैं आपके सामने अपने वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूं। थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं राजस्थानी एक घोड़ा दिखाने वाला हूं आज, जो कि कपड़े और घास फूस की मदद से बनाया जाता है। बहुत ही मेहनत लगती है बनाने के अंदर। और गाइस एक बात और, प्लीज वोकल फॉर लोकल का भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम बाहर की चीजें खरीदना बंद करेंगे और हमारे देसी चीज जो भारत में बनी हुई है इसे खरीदना अगर चालू करेंगे तो हमारे कलाकारों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट में एक बात और कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, काफ़ी कॉन्फिडेंस गेन होता है मेरा, और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाता हूं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधे आपको लेकर चलता हूं राजू जी के पास, और थोड़ी सी बात करेंगे उनसे और फिर हम आपको बनाना सिखाएंगे राजस्थानी घोड़ा कि ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू जी। राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। राजू जी आज जो हम अपने चैनल पर घोड़ा बनाना सिखा रहे हैं इसमें क्या क्या यूज होता है? सर इसमें लागत बहुत होती है, वैसे इसमें बांस के डंडे लगते हैं, घास लगती है, और इसमें कपड़ा लगता है, ये जरी लगती है, और मेहनत भी होती है सर बनाने में। तो आप जो यूज इसमें जो घास यूज करते हैं कौन सी घास होती है? वो चावल, जो अपने बिहार में चावल होते हैं, चावलों की घास होती है वो लगाते हैं, और बांस के जो डंडे होते हैं वो काट के फिर लगाया जाता है, गर्दन में तार लगाया जाता है स्प्रिंग, इसको बच्चा कैसे घुमा दो, ये खेलने के लिए भी काम आते हैं बच्चे के लिए, और अपने सजावट के लिए घर में भी काम आते हैं। और इसके अलावा आप क्या क्या करते हैं सर? और इसके अलावा हम ढोल भी बजाते हैं ब्याह शादी के अंदर, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है सर, अभी तो शादियाँ कुछ चल रही नहीं है, और अपने क्या है कि जैसे पॉपर शो का भी काम करते हैं कठपुतली का, और कच्ची घोड़ी भी नचाते हैं, ढोल भी बजाते हैं, नगाड़ा भी बजाते हैं, ये काम सब हम करते हैं। आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे घर बैठे ऑनलाइन ये घोड़ा खरीदना चाहे तो वो किस तरीके से खरीद सकते हैं? सर अगले का कॉन्टेक्ट नंबर हो तो अपन जरूर ये काम करने के लिए तैयार है। अगर गाइस आपको ये चाहिए घर बैठे, अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं इनके कॉन्टेक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये इस घोड़े को कुरियर करवा देंगे आपके पास और आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि बनता कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस घोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले घास, कपड़ा और बांस तीनों चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले घास को काफी मात्रा में इकट्ठे करके धागे से बांधकर उसका धड़ तैयार किया जाता है। इसके बाद पारी आती है इसके टांगे बनाने की। टांगे बनाने के लिए एक बांस का टुकड़ा लिया जाता है और उसे चाकू की मदद से काटकर चार खपच्चियों में बांट दिया जाता है। इसके बाद इन बांस की खपच्चियों को एक धागे की मदद से उस धड़ के साथ बांध दिया जाता है। घोड़े की टांगों को कंप्लीट करने के लिए उन बांस की खपच्चियों पर कुछ घास को धागे की मदद से लपेट दिया जाता है। और इसी तरह गर्दन और चेहरा बनाने के लिए भी घास को धागे से लपेटकर उसका आकार दिया जाता है। घास का वर्क पूरा होने के बाद बारी आती है इसके कपड़े पहनाने की। इसके नाप के कपड़े काटे जाते हैं और उन पर सिलाई की जाती है। इसके बाद इस पर जरी का काम किया जाता है और इसे सजाया जाता है। कंप्लीट होने के बाद ये आपकी घर की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार है।
तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर ला सकें। धन्यवाद।